वेलकम फ्रेंड्स, आपका स्वागत है जनरेशन क्लासेस डीएस में। आज हम बात करेंगे दूरदृष्टि डोज और निकटदृष्टि डोज में। ये दोनों फिजिक्स के बड़े पेचीदा टॉपिक्स हैं जिन पर हमेशा कोई ना कोई क्वेश्चन बनता है। कभी क्वेश्चन बन जाता है कि दूरदृष्टि के लक्षण क्या हैं, वो पूछते हैं। तो कभी पूछते हैं इसे दूर करने के लिए, इसे ठीक करने के लिए इनमें कौन से लेंस का इस्तेमाल होता है। ज़्यादातर हम लोग सोचते हैं दूरदृष्टि डोज और निकटदृष्टि डोज, तो नाम से ऐसा लगता है कि दूरदृष्टि में शायद दूर का साफ रहता हो और निकट में शायद निकट का साफ रहता हो। लेकिन फ्रेंड्स, इसका जस्ट उल्टा है, ठीक है। दूरदृष्टि में हमें दूर का बिल्कुल साफ दिखता है और निकट में बिल्कुल पास का साफ दिखता है। इसे ठीक करने के तरीके हम फिजिक्स में देखेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो आइए हम देखते हैं। पहला है दूरदृष्टि दोष, जिसमें दूर का साफ दिखता हो लेकिन पास का साफ नहीं दिखता हो, ऐसे दोष को क्या बोलते हैं? दूरदृष्टि दोष। इसे ठीक करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। हो सकता है आपका दिमाग थोड़ा चकरा रहा हो कि कैसी बात है, दूरदृष्टि दोष है तो दूरदृष्टि दोष है तो दूर का साफ नहीं दिखना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है। बात यह है कि दूरदृष्टि दोष का मतलब है जिसमें दूर का साफ दिखता हो लेकिन पास का साफ नहीं दिखता हो, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं? दूरदृष्टि दोष। इसे ठीक करने के लिए उत्तल लेंस का हम प्रयोग करते हैं। किसका लेंस करते हैं फ्रेंड्स? उत्तल लेंस का। तो ये लेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर एक चीज़ बहुत याद रखना है आपको, कौन सी? उत्तल लेंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक चीज़ ये है, क्वेश्चन आ जाता है दूरदृष्टि दोष में क्या होता है, तो दूर का साफ दिखता है, पास का साफ नहीं दिखता है, ठीक है फ्रेंड्स। इसका याद रखिए, उत्तल लेंस। अगला है निकट दृष्टि दोष। इसमें क्या है? जिसमें पास का साफ दिखता हो लेकिन दूर का साफ ना दिखे। ये वो है मामला, बड़ा थोड़ा पेचीदा है, इसको याद रखना है। दूरदृष्टि है तो दूर का साफ दिखेगा, पास का नहीं दिखेगा। और निकट है तो निकट का साफ दिखेगा, तो फिर दूर का दिखेगा। तो जिसमें पास का साफ दिखे लेकिन दूर का साफ ना दिखे, उसे क्या बोलते हैं? निकट दृष्टि दोष। इसे ठीक करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। यस, मेरे स्पेक्स में भी फ्रेंड्स अवतल लेंस ही लगा है, क्योंकि मुझे भी क्या यही निकट दृष्टि दोष है। तो इसको याद रखिए, इसे दूर करने के लिए क्या करते हैं? अवतल लेंस का प्रयोग हम करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो इतना क्लियर हुआ कि दूरदृष्टि को दूर करने के लिए हम उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे, जबकि निकट दृष्टि दोष को हम दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग करेंगे। तो ज़्यादातर इसमें भूल होती है कि किसको हम क्या करेंगे, कौन सा इस्तेमाल करेंगे, एग्ज़ाम टाइम पे याद नहीं आ पाता है। तो फ्रेंड्स, इसके लिए मैंने ट्रिक बनाई है, और ये मेरी खुद की बनाई हुई ट्रिक है, इसे काफ़ी मेहनत के बाद मैंने ऑब्जर्व किया है, बनाया है आप लोगों के लिए। तो इसको हम देख लेते हैं। ट्रिक है, दो उल्लू निकट आए। कितने उल्लू आए? दो उल्लू निकट आए, यानी कि टू आउल्स हैं और वो पास आए हैं दूसरे के, ठीक है। जैसे पास होता है, पास आए, पास आए, तो दो उल्लू पास आए। तो यहाँ पर जो दो है, ठीक है फ्रेंड, यहाँ पर जो दो है इसका मतलब है दूर दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, ठीक है। और उल्लू का मतलब है उत्तल लेंस। क्या मतलब है फ्रेंड? उत्तल लेंस, यानी कि दूरदृष्टि दोष में किसका इस्तेमाल करते हैं हम? उत्तल लेंस का, ठीक है। दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए हम उत्तल लेंस का इस्तेमाल करेंगे। और निकट से मतलब है निकट दृष्टि दोष। क्या है फ्रेंड? निकट दृष्टि दोष। और आ से मतलब क्या है? अवतल लेंस। क्या है फ्रेंड? अवतल लेंस। तो ये याद रखिए आप। तो दो से हो गया दूरदृष्टि दोष, और उल्लू से हो गया उत्तल लेंस, यानी कि दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे उत्तल लेंस। और यहाँ पर निकट दृष्टि दोष का, निकट से है निकट दृष्टि दोष, और आय से मतलब है अवतल, यानी कि निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए हम इस्तेमाल किसका करेंगे? हम इस्तेमाल करेंगे अवतल लेंस का। तो ये मुझे उम्मीद करता हूँ कि ये आपको ट्रिक अच्छी पसंद आई होगी काफ़ी, ठीक है। तो याद रखें आप, दो उल्लू निकट आए, दो यानी कि दूरदृष्टि दोष, उल्लू यानी कि उत्तल लेंस। तो दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं उत्तल लेंस का, और निकट आए यानी कि निकट दृष्टि दोष, और आए मतलब अवतल, यानी कि निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं आपके अवतल लेंस को। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा ये वीडियो?